अरे कहाँ जा रहा है, पहले एंट्री तो कर। अच्छा तेरा नाम फूलचंद है, तो माँ का नाम तो सूरजमुखी होगा ना। अरे अपना हेलमेट तो लेकर जा। बाद में लेता हूँ ना। चल ठीक है। हेलो सर। हेलो, आपका अमृत। क्या मतलब? मतलब अमृत से मद, मद से खाना, और आप लोगों को तो सब कुछ खाना होता है ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ठीक है, थैंक यू। चंदन, ये डोर ओपन करके कहां चले गए? चंदन, चंदन, पार्सल, चंदन के कब? चंदन, जय हिंद मैम। जय हिंद। इन सबको हटाओ यहाँ से। आप लोग हटिए, जाइए। मैम जो वॉचमैन गायब हुआ था ना, उसके कपड़े यहाँ मिले थे मैम, और जो वो एक आदमी गायब हुआ था उसके कपड़े उसके कमरे के बाहर मिले थे। उसकी वाइफ ने कंफर्म किया कि ये कपड़े उसके पति के ही थे। ऊपर चल के देखते। जी मैम। मैम ये एक कपड़ा मुझे यहाँ मिला और ये दूसरा वहां पड़ा हुआ था। हनी क्रंच आइसक्रीम, रफ्तार फूड डिलीवरी सर्विसेज। डॉक्टर साहब ये भी रख लीजिए। मैम कुछ कहिए ना, कहाँ गए मेरे पति? देखिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप प्लीज अपने आप को संभालिए। शर्मा जी मैम, सीसीटीवी फुटेज निकालो। ये कैसा क्रिमिनल जो लोगों के कपड़े उतारने के बाद उन्हें उठा के ले जाता है? देखते जयंत सर। सर एक केस के इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व हूं। यस सर। सर विटनेस के स्टेटमेंट्स लेकर आती हूँ। ओके सर, आई विल बी देयर। डीजीपी सर का फोन था, किसी अर्जेंट काम से बुलाए, शायद शायद किसी का ट्रांसफर है। सर का ये? सर मैं आ रहा हूं सर। जी सर, जी।
सर। जय हिंद। सर आपने इतना अर्जेंटली बुलाया? देखो पुरोहित, ऐसा है कि हमें हमेशा से ही कुछ रहस्यमयी केसेस मिलते रहे और ये केसेस हमारे डिपार्टमेंट की फाइलों में दबे रह जाते हैं क्योंकि हमें कभी उनके जवाब मिल नहीं पाते। लेकिन अब ऐसी रहस्यमयी घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। हेडक्वार्टर नहीं चाहता कि ऐसे रहस्यमयी केसेस फाइलों में दबे रह जाएं। इसीलिए ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए हेडक्वार्टर ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया है, ऑपरेशन विजय। और मैं चाहता हूं कि तुम लोग स्पेशल फोर्स से जुड़ जाओ। एनी डाउट्स पुरोहित? नो सर। गुड, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है। कोई भी सवाल हो, यू हैव माय नंबर। सर। और हाँ, अगर किसी भी केस में उलझ जाओ और आगे समझ ना आए कि क्या करें, तो एक इंसान है जो तुम्हारी मदद करेगा। वो कौन सर? न्यूटन। न्यूटन? न्यूटन चट्टोपाध्याय है, जीनियस है, ज्ञान का भंडार, लेकिन थोड़ा सनकी है। वो कभी तुम लोग से नहीं मिलेगा क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि वो कहाँ है। तुम लोग उसे कॉल भी नहीं कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हें कॉल कर सकता है। तुम्हारे नए यूनिफॉर्म्स तैयार हो रहे हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। गुड लक सर। सर हेलो पुरोहित। जानता हूं तुम्हारा नाम है, काम की बात करें। ये क्या है? दो लोग गायब हैं, लेकिन कपड़े सही सलामत। इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, सर का कॉल आया। सो लेट्स कंप्लीट द वर्क। बाय द वे, ऋषिराज पांडे। तहकीकात क्यों नहीं कर रहे आप लोग? कहाँ गए मेरे पति? कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? देखिए हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने कोई आवाज सुनी क्या? मैम आपने जो कपड़े भेजे थे लैब में जांच के लिए, उनमें एक बड़ी अजीब सी बात है। वो सारे कपड़े किसी चिपचिपे पदार्थ लाइक किसी जेल से सने हुए हैं। पांडे, मैंने उस चिपचिपे पदार्थ का भी एनालिसिस किया, उसमें इंसान के आंसू के साथ फूल के अमृत जैसा कुछ मिक्स है। अमृत और आंसू? अजीब बात है, ये कोई क्रिमिनल है या कोई प्लांट? शर्मा। यस सर। यहाँ की लाइट्स ऑफ कराओ। जी सर। डॉक्टर साहब, ये सैंपल्स कलेक्ट कर लीजिए। यही सोचा था मैंने, अगर विक्टिम्स के कपड़े उस लिक्विड जेल से सने हुए मिले हैं तो वो जेल यहाँ फैला हुआ जरूर होगा। सी, अगर इस चिपचिपे जेल में इंसान के पदार्थ हैं तो इसका डीएनए निकलवा और रफ्तार डिलीवरी के डिलीवरी बॉय से मैच करके देखो। जरूर इन सबके गायब होने में उसी का हाथ है जिसने वो हनी क्रंच आइसक्रीम डिलीवर की थी। मैम 6-7 बार रब करना पड़ेगा स्वैप को। आ गई।
यहाँ डीएनए टेस्टिंग हो रहा है। अगर तू ऑफिस नहीं आएगा ना तो शक तुझ पर ही जाएगा। चल ठीक है, मैं आता। मेरा मिशन खत्म होने से पहले मैं इन लोगों की पकड़ में नहीं आऊंगा। फूलचंद कहाँ थे तुम? एक डिलीवरी मैन को हमेशा टाइम पर आना चाहिए, चलो लाइन में लग जाओ। सॉरी सर। मुंह खोलो। तुम अमृत हो या मत, रोहित हो गया। ए फुलचंद। अरे करण, दे दिया डीएनए सैंपल। चल अब काम पे लग जाते हैं। वैसे भी ये मर्डर वर्डर के चक्कर में उन कस्टमर्स का क्या कसूर है ना। चल आज छुट्टी कर देना, दोनों पिक्चर उच्चर देखने चलते ना। चलना। अरे क्या कर रहा है भाई, आज बहुत सारे ऑर्डर डिलीवर करने हैं, बहुत काम है मुझे। चलता हूँ। वैसे भी तू हर रोज काम के बीच बीच में गायब होता रहता, क्या फर्क पड़ेगा? क्या कहाँ चला जाता है? देख तो खाना डिलीवर के अलावा कुछ और काम कर रहा है ना, तो वो गलत है। मैं मैनेजर को बोल दूंगा। मैंने देखा जब तू डीएनए सैंपल दे रहा था उस समय इंस्पेक्टर से कुछ बातें कर रहा था। पी रखी क्या तूने? पागल हो गया क्या तू? क्या पागल हो गया, इसीलिए तेरे से कोई बात नहीं करता है। चल जा काम कर अपना और मुझे भी करने दे। जिसे हम किडनैपिंग का केस समझ रहे थे वो आज मर्डर का रूप लेते जा रहा है। आज ही क्लाउड 9 अपार्टमेंट्स में 10 लोग गायब हो गए। क्या ये मर्डर है या अपहरण? और पुलिस इस मामले में क्या कर रही है? हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी या कुछ करेगी भी? कब तक ऐसे मासूम लोग गायब होते जाएंगे? कब तक होंगे ये उस सर्वनाशकारी डिलीवरी एजेंट का शिकार? आप में से किसी ने देखा है कि ये सब किसने किया है? मैम वो रफ्तार फूड डिलीवरी से एक लड़का आया था, उसके बाद ये सब हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है? डीएनए टेस्ट में वैसे किसी से मैच ही नहीं कर रहा। एक सेकंड मैम, ये डीएनए टेस्ट किस वक्त
रफ्तार डिलीवरी के सारे बॉयज मौजूद थे राइट? जी सर। आर यू श्योर ये सब सही तरीके से कंडक्ट हुआ? सर इंसान गलत हो सकता है, साइंस नहीं। लेकिन सर रफ्तार डिलीवरी के नौ डिलीवरी बॉयज में से किसी का भी उस जेल से डीएनए मैच नहीं होता। एक सेकेंड। नौ? लेकिन उनकी टीम में तो 10 मेंबर है, तो आप नौ क्यों कह रही हैं? सर क्योंकि नौ ही सैंपल कलेक्ट हुए हैं। एक्सक्यूज मी। उस दिन तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन अधूरी छोड़कर पुलिस स्टेशन आई और अब ये सब। मुझसे डेफिनेटली कोई गलती नहीं हुई, पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। याद होगा भी कैसे, क्योंकि इंसान जब कोई गलती करता है उसे छुपाता है तो ऐसे ही बात करता है राइट शर्मा? नहीं सर, वो बिना वजह मुझ पे इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं। उस दिन ऑफिस में कुछ हुआ था, पर मैं बताता हूं क्या हुआ। हुआ ये है मैडम कि हमने उस दरिंदे को जाने दिया है जो अब लोगों को अपना शिकार बना रहा है। कुछ मुझसे ऐसा कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शर्मा सर मुझे कुछ नहीं सुनना, जो हुआ सो हुआ, पर अब और नहीं। मुझे उस इंसान की पूरी कुंडली चाहिए, फोटोज, एड्रेस, फोन, सब कुछ। ओके सर। मीडिया सही कह रही है, पुलिस अपना काम सही से कर नहीं रही है। कैसे हो गया इतनी बड़ी गलती? नहीं हो सकता है मुझसे। हेलो, आप मुझे फूलचंद का शेड्यूल देंगे प्लीज? जी जल्दी। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं इसे ठीक करूंगी। हेलो, मैं आपको फूलचंद के आज का डिलीवरी शेड्यूल मेल कर रहा हूँ। हमारा एक दूसरा एजेंट भी है करण, वो आज ड्यूटी से मिसिंग है। वो अपनी बैग यहीं छोड़ गया है और फोन भी नहीं उठा रहा है। करण, अब इसका नंबर सेंड कीजिए। फूलचंद, मैंने देख लिया तू तो ये सब करने के लिए ऑफिस से छुट्टी किया करता था ना? करण करण, एक डिलीवरी एजेंट को ना क्विक होना चाहिए, फास्ट, यू नो। और तू है कि एक छोटे से मुद्दे पर अटक गया है। अब मैं मैनेजर को नहीं पुलिस को बताऊंगा कि तूने क्या किया। इसीलिए कोई तुझसे बात नहीं करता है और आज के बाद कोई कर भी नहीं पाएगा। फूलचंद,
मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कितने प्यार से मैंने तुझे डीएनए टेस्टिंग के टाइम पे बेवकूफ बनाया था। मुझे लगा था हमारी अच्छी जमेगी, पर नहीं। बहुत दुख होगा मुझे तुझे मारते हुए। मेरे हाथ से बचेगा तब मारेगा ना मुझे। अब तू नहीं बचेगी। रतन शर्मा जी सर, वो रोहित कहाँ है? फोन भी नहीं उठा रही। सर मैंने उन्हें आखिरी बार फोन पर बात करते हुए देखा। कहाँ? वो फूलचंद है ना, उसका डिलीवरी का शेड्यूल पता कर रही थी। इसका मतलब है कि वो उसके पीछे अकेले ही चली गई। रतन शर्मा तुम यहीं रुको और ध्यान रखो, और हाँ अगर उसका फोन आए तो बोलना मुझे, फोन करें। हाँ जी सर। थैंक्स। क्या सोच रही थी तुम? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है। बात नहीं करनी है मतलब? अकेले ही ढूंढने चली गई उस फूलचंद को तुम? मैं उसे मार देती। पर तुम खुद मर जाती। मैं मर भी जाती तो उससे तुम्हें क्या लेना देना है? ओ हेलो, मुझे इस बात से कोई चिंता नहीं, लेकिन ऑन ड्यूटी अगर किसी ऑफिसर की जान जाए तो सवाल उठेंगे कई, मुझसे पूछे जाएंगे कि मैं क्या कर रहा था उस वक्त। मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। शर्मा गाड़ी निकालो, हम फिर जाएंगे। पर मैडम। ठीक है जाओ जाओ शर्मा इनके साथ, लेकिन जाने से पहले इनसे इनका सुसाइड नोट लिखवाकर मेरे टेबल पर रख देना। पांडे यू आर नॉट माय सीनियर, ओके? एकदम वीक है तुम लोगों का कंप्यूटर सिस्टम। इतना सहजता से मैंने हैक कर लिया। पुरोहित, तुम्हारा वाईफाई पासवर्ड TURO2895, राइट? राइट राइट सर। न्यूटन सर। चट्टोपाध्याय बोलो बोलो बोलो, किधर फंसा है बोलो सर? वो नौ जन का हत्या हो गया है।
और हाथ में लगा है खाली उनका कपड़ा, और कपड़ा को जब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा तो पता लगा कि उस कपड़ा पर कुछ तरल पदार्थ, कुछ जेल जैसा मिला है, राइट? यस यस। और उस जेल का कंपोजिशन है आधा मानव का और आधा फूलों का, फूलों का अमृत, नेक्टर, नेक्टर, फूलों का नेक्टर, राइट? राइट राइट सर। एक मिनट। आई बिलीव तुम लोगों ने वो ग्लव्स वगैरह पहना होगा। वो विदाउट ग्लव्स उस कपड़ा को हाथ नहीं लगाया होगा, राइट? नहीं तो बिना मौसम के ही बरसात करना पड़ता, क्लाउड सीडिंग, यू नो। बारिश? नहीं नहीं सर, हमने ग्लव्स पहने थे और उस जेल से मैच करने के लिए हमने रफ्तार फूड डिलीवरी बॉयज का डीएनए सैंपल भी लिया था, मगर हमारी कुछ गलती की वजह से हमें उस आदमी की आइडेंटिटी पता नहीं चली और वो हमारे हाथ से निकल गया सर। बोलो बोलो, आगे बोलो। वो फूल का आकार कैसा था? डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बोलो। सर उसके बड़े बड़े नोकीले दांत थे और एक लंबी जबान थी सर। जीनस बोलो, जीनस। वो कौन जात का था वो बोलो, साइंटिफिक नेम बोलो। जेनिस सर, वो तो नहीं पता। हम उसे पकड़ने ही वाले थे सर, किन फूलचंद बिलोंग टू द फैमिली ऑफ नेपेंथीसिया। सर ये माँ जी कथा बोलूंगा, डोंट डिस्टर्ब मी। फूलचंद ऐसा क्यों कर रहा था बोला? फूलचंद ऐसा इसलिए कर रहा था उस अमृत के लिए, वो फूलों के अमृत के लिए फूलचंद कर रहा था, राइट? 15 सेंचुरी का बाद है जब सरस्वती नदी के किनारे 5 लोगों ने फूलचंद के परिवार के लोगों से अमृत चुरा लिया, बहुत सारा अमृत चुरा लिया अपने परिवार जन के लिए मधु बनाने को। और उस दौर के बाद इस जाति का प्लांट इंडिया में दिखाई देना बंद हो गया, और शायद इसीलिए वो सरस्वती रिवर भी धीरे 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 सूख गया। उन्हें किसानों के वंश के लोगों को एक एक करके मार रहा है ये फूलचंद, ये नेपेंथीसिया सबको एक एक करके खत्म कर रहा है, खा रहा है अपना बदला पूरा करने के लिए। बीच में मत बोलो, डोंट डिस्टर्ब मी, बोला ना तुमको? क्योंकि उन्हीं वंश के लोगों के खून में वो अमृत का अंश है, उस नेक्टर का अंश है। ये नेपेंथीसिया पावरफुल होता जा रहा है, वेरी पावरफुल। पर सर हम उसे रोक कैसे सकते हैं? इन्होंने तो उससे दो दो हाथ करके भी देख लिए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगाड़ पाए उसका। एक काम करो, तुम लोग आपस में सवाल जवाब कर लो। मूड ऑफ कर दिया तुमने। सर 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 सर, मैडम रोहित सर, लगता है जहर फैल चुका है। जल, ये सब उस जल की वजह से हुआ है। न्यूटन, बारिश का पानी शर्मा, बारिश इस मौसम में, बारिश का पानी मतलब प्रकृति का पानी। 4 बजे हैं शर्मा, एक बाउल लेके मेरे साथ आओ।
मैं एक काम करता हूँ, मैं कल ही अपना ट्रांसफर ले लेता हूँ। पांडे प्लीज। देखो क्या है ना कि हम दोस्त बनके तो काम कर नहीं सकते, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम पार्टनर बनके काम कर सकते हैं। एक आखिरी बार टाइगर टीम। लाइक अ टीम हाँ, क्योंकि जब भी दुश्मन ताकतवर और बलशाली हुआ है तब तब हीरो को भी बड़ा बनना पड़ा है, और ऐसे ही एकजुट होगी हमारी ऑपरेशन विजय। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब पांच पांडव एकजुट हुए तो वो 100 कौरवों पर भी भारी पड़े। फूलचंद को पकड़ने के लिए पुलिस ने हर जगह नाकाबंदी कर रखी है। पुलिस ने खास तौर पे नागरिकों को फूड डिलीवरी और ऑर्डर लेने के लिए मना किया है। शहर के सभी रेस्टोरेंट्स और होटल्स बंद कर दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि जो भी इन रूल्स के खिलाफ जाएगा उसे अरेस्ट किया जाएगा। आगे की जानकारी मिलने तक ना तो कोई रेस्टोरेंट खुलेंगे और ना ही कोई ऑर्डर लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि जो भी इन रूल्स के खिलाफ जाएगा उसे अरेस्ट किया जाएगा। अगर आपको जान बचानी है तो किसी भी तरीके फूड आइटम से आकर्षित ना हो, क्योंकि फूलचंद खाने के जरिए ही लोगों तक पहुंचता है, याद रखिए। इन पुलिस वालों को लगता है कि ये सब करके ये मुझे रोक सकते हैं। मैं नहीं हारूंगा, अमृत हमारा है और इसे हमसे कोई भी नहीं छीन सकता। बस एक बार उस आखिरी वंशज को खा लो और उसकी रगों में बहती हुई हमारी प्राचीन अमृत मुझ में मिल जाए, तब मैं निपंतेसिया प्रजाति का इस धरती पर पुनर्जन्म कर सकता हूं। तबाह कर देंगे हम सब, और फिर उस पुलिस वाली लड़की को खाने का मजा ही कुछ और होगा। हेलो, क्या रफ्तार फूड डिलीवरी सर, आपका पार्सल लेकर आया। पार्सल? लेकिन मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगवाया था। अरे सर आप भूल गए होंगे, अगर आप पार्सल नहीं मंगवाते तो मैं यहाँ पर क्यों आता। लीजिए आपका पार्सल ले लीजिए सर। आपका पार्सल ले लीजिए ना, मुझे और भी डिलीवरी करने के लिए जाना है। देखिए आपको जहाँ जाना आप जाइए, लेकिन अगर आप नहीं गए तो मैं कस्टमर केयर को कॉल कर दूंगा। अबे मोटे, तुझे कस्टमर केयर की नहीं कस्टमर्स केयर की जरूरत है। ए! तुम सब जगह मेरे पीछे पीछे आ जाती हो, तुमको यहां का पता कैसे चला? हमें पता चल गया था कि विशाल ही वो आखिरी वंशज है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। वो पांच परिवार जहाँ रहते थे उस गांव के कुल पुरोहित ने बताया कि विशाल उस वंश का आखिरी संतान है। इसकी डिलीवरी तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन उससे पहले इस बार तुझे जिंदा छोड़ने की गलती नहीं करूंगा। तुमसे मिलने तुम्हारे दोस्त लाए, मिलना चाहोगे? बहुतों को खाया है तूने, जगह जगह अपना अमृत फैलाया है ना, अमृत बहुत पसंद है ना तुझे,
तेरे जैसे ही पसंद रखने वाले कुछ जीवों को लाए हम। मधुमक्खियां, इन्हें भी तेरी तरह फूलों का अमृत बहुत पसंद है। फूलों का अमृत आकर्षित करता है इन्हें। और यहां तुमसे बड़ा फूल कोई नहीं है। फूलचंद को भगा तो दिया है, लेकिन अगर उसे हराना है तो हमें कोई बेहतर उपाय ढूंढना होगा। I agree। मधुमक्खियां सिर्फ उसे डस रही थी, पर ऐसा नहीं लग रहा है कि इतनी मधुमक्खियां उसका रस निकाल पाएंगी। न्यूटन सर, उस दिन के लिए सॉरी सर। मिल गया उपाय, मिल गया। सर जल्दी बताइए, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये क्या सर? इक्षान बूटी। ये इक्षान बूटी भगवान शंकर के शरीर से उत्पन्न हुआ है, होलाहल विष के प्रभाव को कम करने के लिए। वो याद रखना, ये बूटी फूलचंद की पंखड़ियों के बिल्कुल बीच में है, एकदम सेंटर में डालना। ध्यान रखना, अगर कहीं गिर गया तो फिर इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। ये मिलेगी कैसे? कहीं आप बताता हूं, ये वहीं मिलेगा जहां पर तुम है, राइट? सर सर, ये पुलिस स्टेशन में मिला। इसके साथ एक चिट्ठी थी कि ये मैं आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचाऊंगा। ठीक है शर्मा, तुम जाओ। सर ये तो मिल गया, बस अब उसे ढूंढना बाकी है। मिलेगा कैसे वो? वैसे तुम्हारा जो आइडिया था, जो इतना खास था नहीं, पर हम उस ऑर्डिनरी से आइडिया को यहाँ यूज कर सकते हैं। कौन सा आइडिया? वो अंधेरे वाला? वो अंधेरा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ चांद की काफी रोशनी है। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ट्रेसेस तो यहीं तक थे। कहीं हमें फंसाने की साजिश तो नहीं है? अब तो तुम दोनों ऑलरेडी मेरे चाल में फंस चुके हो। Thank you.
मुझे तुम्हारा रवैया बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे तुम्हारा बिहेवियर पसंद नहीं है। मुझे तुम पसंद नहीं है। ओके चले